शहर में ऐतिहासिक राम बारात निकाली गई। प्रभु श्री राम वर यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। लाखों लोगों की भीड़, राम भक्त इस समय सड़कों पे हैं। बड़े आनंद का माहौल है और ऐसा माहौल आज ही के दिन देखने को मिलता है। और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जीवन जीने की शैली जो भगवान राम ने हमको बताई है, हमारे सनातन ने जो हमको बताई है, वही राम बारात के अंदर रामलीला कमेटी ने देने का प्रयास किया है। आज चंद्रयान पर झांकी, G20 पर झांकी, क्रिकेट पर झांकी, महिला सशक्तिकरण पर झांकी, अयोध्या के राम मंदिर पर झांकी, हेलमेट और सीट बेल्ट पर झांकी, लोगों को जीवन जीने की जो शैली भगवान राम ने दी थी उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी राम बारात कर रही है। जय श्री राम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेरा ने लाल चंद मेले पर आरती की। आरती करने वालों में विधायक चौधरी बाबूलाल, पुलिस कमिश्नर SP सूर्य राय समेत कई पुलिस अधिकारी व रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महामंत्री राजीव अग्रवाल, भाजपा नेता अलौकिक उपाध्याय व सपा नेता नितिन कोहली भी शामिल थे। राम बारात पर इंद्रदेव की भी मेहरबानी रही। रात 8 से 9 बजे के बीच कई बार रिमझिम बारिश हुई लेकिन बारात नहीं रुकी, आगे बढ़ती रही। इसके बाद चारों भाई ने अपने अपने रथ पर विराजमान होने से पहले बारिश थम गई थी। शोभा यात्रा में 120 झांकियां शामिल की गई। पहली झांकी के स्वरूप में गणेश जी की सवारी से शुरू की गई। दूल्हा बने श्री राम के स्वरूप अपने रथ पर विराजमान हुए। बारात शुरू होने के बाद झांकियों का क्रम टूटा लेकिन इसे शीघ्र ही दुरुस्त कर लिया गया था। पर्यावरण का संदेश देने वाली झांकियां देखकर भक्त प्रफुल्लित दिखे। G20 नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, चंद्रयान 3, T20 विश्व कप, खेलते हुए बच्चे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धारा 370 आदि की झांकी में भारत की छवि दिखी। राम बारात में पुलिस टीम द्वारा आमजन में जागरूक करने वाली झांकी भी निकाली गई। इस वह झांकी एंटी रोमियो प्रभारी रंजना गुप्ता ने बड़ी मेहनत से तैयार करवाई थी। सबसे खास बात यह है कि को दिया गया। मैं पूरे आगरा वासियों को आगरा के सांसद होने के नाते बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उत्तर भारत की सबसे दिव्य भव्य बड़ी राम बारात का अभी शुभारंभ हुआ है। हम सब लोगों ने भगवान राम की आरती की है। रात भर पैदल चल के सुबह जनकपुरी जाएंगे और जनक का परिवार आतुर है कि कैसे वो बारात का स्वागत करें। तो मैं बस आगरा के लोगों से कहना चाहूँगा, हमें अनुशासन को बरत के रखना है, एक दूसरे के धर्मों की हमें इज्जत करनी है और सीखने को भी मिलता है। रामलीला कमेटी के चेयरमैन पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी का और जनक पूरी समिति के अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही हर साल की भांत जो हमारे पुरखों ने एक गौरवशाली परंपरा डाली थी उसको निभा रहे हैं। राम जी से बहुत सीखने को मिलता है। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं कहूँ व्यापार, राम राज्य में लोकतंत्र था। माँ भगवती तुल्य सीता जी के प्रतिकूल टिप्पणी करने वाले अनुसूचित व्यक्ति के भी राम जी उसको गंभीरता से लेते हैं। इसलिए वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द लार्जेस्ट। लोग कहते हैं अमेरिका ओल्डेस्ट है और हम लार्जेस्ट हैं। 140 करोड़ की वजह से हम लार्जेस्ट हैं और त्रेता में राजतंत्र में लोकतंत्र था। और जो झांकियां हैं वो समसामयिक विषय को लेकर के हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में, जिसमें चंद्रयान को लेकर के, जिसमें चल रहे विश्व कप को लेकर के झांकियां समाज को प्रतिलक्षित करती हैं। देखिए आज राम बारात का आयोजन है और जनकपुरी ऑलरेडी वहां छोटे छोटे आयोजन शुरू हो गए हैं, लेकिन आज राम बारात के बाद जब स्वरूप वहां पहुंचेंगे कल सुबह, तो जो मेन आयोजन है अगले 3 दिन तक चलेंगे। और इस पूरे राम बारात आपको जैसे पता है इस समय शुरू होगी, लगभग 70 झांकियां इस समय रवाना हो चुकी हैं, 126 पूरी झांकियां हैं। अब स्वरूप की सबने आरती की है, इसके बाद स्वरूप भी सभी झांकियों के पीछे जाएंगे। इसमें हमारी पुलिस फोर्स प्रॉपरली जो जोन से मिली है, जोन से बाहर से भी, जो DGP ऑफिस से भी मिली है, उसके माध्यम से हम पूरा जो रूट है जनकपुरी तक का उसको सुरक्षित रखेंगे। और जो छोटे बच्चे महिलाएं रास्ते में इस पूरे आयोजन को देखने के लिए तैयार होंगे उनका भी ध्यान रखा जाएगा, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सबको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी PSC और काफ़ी सारी फोर्स और LIU के लोग यहाँ पे तैनात किए गए हैं और इसके अलावा ड्रोन्स के माध्यम से भी इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को
फूल प्रूफ बनाने का हमारा लगातार प्रयास जारी रहेगा।